नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना दाल का तड़का, तो आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। तो तड़का बनाने के लिए चना का दाल है 250 ग्राम, इसको हम साफ से धो के रख लिए हैं। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट है, हम काट के नहीं दे रहे हैं, सबका पेस्ट बना के दे रहे हैं, इससे बहुत ही चटकदार लगता है। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 बारीक प्याज कटा हुआ, 2 बारीक टमाटर कटा हुआ, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, ये अपने स्वाद अनुसार। तड़का के लिए हींग, लाल सूखी मिर्च, कस्तूरी मेथी, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, जीरा और थोड़ा सा काली सरसों और इसमें घी। तो सबसे पहले हम एक कुकर लिए हैं, इसको हम गैस पर रख देते हैं, गैस जला दिए हैं, उसमें हम ये दाल डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी। ढक्कन से बंद कर देते हैं। इसको हम 2 सीटी आने तक पकाते हैं। दाल बन गया है, हम एक गैस पर बर्तन रखते हैं, तब तक इसका मसाला हम तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालते हैं घी, घी में बहुत ही अच्छा बनता है। 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी हींग, दालचीनी, लौंग, इलायची, मिर्च और ये जीरा और राई। सबको हम चटकने देते हैं। सब चटक गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं।
और ये टमाटर भी डाल देते हैं, इसको गलने तक हम पकाते हैं। इसमें हम हल्दी भी डाल देते हैं और नमक भी, लाल मिर्ची है इसे भी हम डाल देते हैं। इसे हम ढक के पकने देते हैं 4 मिनट। मसाला अच्छी तरह से पक गया है, टमाटर प्याज सब गल चुका है। हम इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं। इसमें हम दाल डाल देते हैं। देखिए इसका कलर कितना सुंदर है। इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देते हैं और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसको हम ढक के 4 मिनट और पकने देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा बना है। हम गैस बंद कर देते हैं। दाल तड़का चना का बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी कुछ नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।